हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि बीपीएससी का मेंस का तैयारी कैसे करें। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि बीपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है, ये बिहार का सबसे बड़ा एग्ज़ाम है, आप ऐसा बोल सकते हैं, बिहार पीसीएस का। उसके अलावा इसमें सबसे पहले पीटी होता है, उसके बाद मेंस होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है। तो हाल ही में अभी पीटी 66 बीपीएससी का पीटी हुआ है 27 दिसंबर को, और अब मेंस आने वाला है इसका। तो अब पहले तो आंसर की जारी होगा, उसके बाद कुछ दिन के बाद रिजल्ट आएगा, और उसके बाद मेंस होगा। तो मेंस का तैयारी कैसे करें, हम इस वीडियो में आज आपको बताने जा रहे हैं। तो हम इसके लिए बीपीएससी की वेबसाइट से सिलेबस डाउनलोड किए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ। ये बीपीएससी के द्वारा 2017 में जारी किया गया नया सबसे लेटेस्ट सिलेबस है, अभी बिहार गैजेट में छपा हुआ था। और इसमें हम लोग सबसे पहले जैसे देखते हैं, तो प्रारंभिक परीक्षा की बात किया जाए, ठीक है। तो आप लोग को जैसे पता हो कि 2 घंटे का पेपर होता है और 150 मार्क्स का उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आता है उसमें निगेटिव नहीं होता है, मतलब कि उसके लिए कोई गलत आंसर के लिए कोई निगेटिव आंसर नहीं काटा जाता है, निगेटिव मार्क्स नहीं होता है। उसके बाद मेंस होता है, मेंस का सिलेबस कुछ आप देख सकते हैं इस प्रकार है। सबसे पहले एक हिंदी का पेपर होता है, 100 नंबर का हिंदी का पेपर होता है, जिसमें 3 घंटा आपको टाइम मिलता है, और इसमें आपको 33 मार्क्स लाना होता है, ठीक है। इसमें कम से कम आपको 30 मार्क्स लाना होता है, 30% जो है कम से कम आपको लाना होता है। और ये पासिंग मार्क्स होता है 100 में 30, इसका मार्क्स जो है फाइनल मेरिट लिस्ट बनाते समय ऐड नहीं होता है। यानी कि आप 100 में यदि 30 लाते हैं तो भी ठीक है, और 60 भी लाते हैं तो भी ठीक है, 90 भी यदि 100 में ले आते हैं तो भी सेम वैल्यू है। इसके लिए कोई आपको स्पेशल, एक तरह से बोल सकते हैं कि आपको कोई स्पेशल ऊपर से मार्क्स नहीं मिलने वाला है, ठीक है। इसका कोई स्पेशल फ़ायदा नहीं होने वाला है, 100 में 30 जो है पासिंग मार्क्स है। अब जो है यहाँ पर देख सकते हैं, उसके बाद होता है सामान्य अध्ययन पत्र 1, सामान्य अध्ययन पत्र 2, ये 300 अंक का होता है, इसका मार्क्स जो है मेरिट लिस्ट में ऐड होता है। तो 600 मार्क्स का जनरल पेपर होता है, मतलब कॉमन पेपर होता है, हर किसी को देना होता है। इसके अलावा एक पेपर, सिर्फ एक ही पेपर जो होता है वो ऐच्छिक विषय होता है, ऑप्शनल पेपर जिसको बोल सकते हैं, एक ही पेपर होता है। पहले दो पेपर होता था, अब एक ही पेपर होता है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो एक पेपर जो है 300 मार्क्स का ऐच्छिक होता है, जो आप अपने मन से ले सकते हैं, यानी कि टोटल हो गया 300 × 3, 900 मार्क्स का मेंस में होता है, 900 मार्क्स का मेंस होता है, होता तो ऐसे 1000 मार्क्स का है, लेकिन 100 नंबर का हिंदी होता है, हिंदी में 30 ही लाना होता है, 30 वहाँ पे पासिंग मार्क्स को वो ऐड नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि ऐच्छिक विषयों का मानक लगभग वही होगा जो पटना विश्वविद्यालय के 3 वर्षीय ऑनर्स परीक्षा का, यानी कि जो ऑप्शनल पेपर है उसका सिलेबस जो है पटना यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है उससे मैच करना चाहिए, मतलब उससे क्वेश्चन आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सामान्य अध्ययन पत्र 1, सामान्य अध्ययन पत्र 2, उसके बाद ऐच्छिक विषय, इतने सारे ऐच्छिक विषय हैं, कृषि विज्ञान, मानव विज्ञान है ना, तो इसमें से कोई एक ऐच्छिक विषय आप ले सकते हैं, मैथिली, अरबी, संस्कृत, उर्दू, हिंदी, सांख्यिकी, लोक प्रशासन, राजनीति शास्त्र, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, दर्शन शास्त्र, गणित, विधि यानी लॉ, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, ये सब इतने सारे जो हैं, मतलब यहाँ पे पेपर हैं 32-33 के शायद होंगे। तो अब हम यहाँ पे हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि जो कॉमन पेपर जो आपको यहाँ मिला, सामान्य अध्ययन पत्र 1 और सामान्य अध्ययन पत्र 2, ये दोनों का तैयारी कैसे करें, इसके बारे में आपको आज यहाँ पर बताने जा रहे हैं। उसके बाद अगले वीडियो में हम जो है एक दूसरा वीडियो ला करके ऐच्छिक विषय ज्योग्राफी का कैसे करें, हिस्ट्री का कैसे करें, जो भी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सर हमको इस वीडियो के बारे, मतलब इस सब्जेक्ट के बारे में जानकारी चाहिए, तो जब देखेंगे कि कुछ लोग, मतलब कि एक सब्जेक्ट के लिए ज़्यादा डिमांड हो रहा है, तो उस विषय पर हम बनाएंगे। तो अभी हम बताने जा रहे हैं कि ऐच्छिक, मतलब जो कॉमन पेपर है उसमें क्या हम लोग करें, किस तरीके से तैयारी करें। उसका थर्ड स्टेज होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू पहले 150 मार्क्स का होता था, अब 120 मार्क्स का होता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मुख्य परीक्षा के सफलीभूत यानी सफल होने के बाद उम्मीदवारों का व्यक्तिगत परीक्षण 120 अंकों का होगा। उसके बाद जो है 900 नंबर का जो मेंस होता है और 120 नंबर का जो इंटरव्यू होगा, दोनों ऐड करने पे 1020 नंबर पे कट ऑफ निकलेगा, ठीक है। 1020 नंबर पे एक कट ऑफ निकलेगा आपका कुल मिला करके। आगे हम लोग पढ़ते हैं, ये तो पीटी का सिलेबस यहाँ पर दिया है जो हम लोग नहीं देखेंगे यहाँ पर, हम लोग मेनली यहाँ पर मेंस का सिलेबस देख रहे हैं। मेंस में सबसे पहले आता है 100 नंबर का हिंदी, उसमें 30 लाना अनिवार्य होता है। यदि आप 30 से कम लाते हैं तो आपका आगे का कॉपी ही चेक नहीं होगा, मतलब कि सारा मेहनत बेकार है। बाकी जनरल पेपर में आप कितना भी लिख दीजिए और इसमें यदि 30 नहीं ला पाए तो फिर आपका कोई फ़ायदा नहीं है। इसमें 30 लाना अनिवार्य है। सेकेंडरी मतलब कि 10th लेवल का होता है। हिंदी का क्वेश्चन काफ़ी सिंपल होता है, जैसे आप देख सकते हैं निबंध यहाँ 30 मार्क्स का आता है, एक एसे आता है जो 30 मार्क्स का होता है, व्याकरण जो है 30 नंबर का रहता है, वाक्य विन्यास 25 नंबर का, और संक्षेपण 15 नंबर का। कुल मिला के इस तरीके से 100 नंबर का आप यहाँ पे देख सकते हैं, कुल मिला के 100 नंबर होता है। व्याकरण काफ़ी सिंपल लेवल का होता है, एक वीडियो में हम क्वेश्चन भी आपको दिखाएंगे कि किस तरीके का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो
तो इसके लिए कोई खास तैयारी करने की जरूरत नहीं है, बस एग्जाम से 2-3 दिन पहले जो है, यदि आप टेंथ हिंदी में, टेंथ तक भी हिंदी आपको याद हो, 10वीं कक्षा तक का भी, तो भी आप यहाँ पे इसको आसानी से पास कर सकते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं समान अध्ययन पत्र 1 और समान अध्ययन पत्र 2, यह 300 मार्क्स का होता है, 300 मार्क्स का होता है, ठीक है। ये दोनों पेपर में आपको 8 क्वेश्चन लिखना होता है, टोटल मिलाकर के 8 क्वेश्चन लिखना होता है, 3 सेक्शन में बटा रहता है, 3 सेक्शन में, एक सेक्शन से 3, दूसरे सेक्शन से 3 और तीसरे सेक्शन से 2 क्वेश्चन आपको लिखना होता है। इस तरीके से समान अध्ययन पत्र 1 में बात करें तो पहला सेक्शन हिस्ट्री का होता है, भारत का आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें से 3 क्वेश्चन आपको लिखना होता है, 38 × 3, यानी कि एक क्वेश्चन 38 नंबर का होता है, ठीक है, और 3 क्वेश्चन आपको लिखना होता है। उसके अलावा राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व का वर्तमान घटनाचक, तो ये भी 3 क्वेश्चन लिखना होता है, 38 × 3, यानी कुल मिला के हो गया 114 + 114, है ना, 114 + 114 228 नंबर का। उसके बाद 36 नंबर का 2 क्वेश्चन यानी 72 नंबर का सांख्यिकी आता है, जिसको हम लोग DI बोलते हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन, या फिर स्टैटिस्टिक्स बोल सकते हैं आपको। इसमें आपको पाई चार्ट रहेगा एक, उसके अलावा ग्राफ से क्वेश्चन रहता है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी सिंपल होता है, 10th लेवल का पाई चार्ट वगैरह होता है, यदि आपका मैथ बैकग्राउंड है, मतलब कि मैथ आप 10th लेवल का बना सकते हैं, तो इसके लिए आपको कोई खास तैयारी करने की जरूरत नहीं है। और लेकिन ये भी है कि इसमें 72 नंबर जो है पूरी तरीके से मिल जाता है, यदि जिसका दोनों DI सही हो गया, तो आप समझिए कि मेंस में उसका चांस काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें 72 नंबर पूरी तरीके से मिल जाते हैं, इसमें कटने का कोई चांस नहीं होता यदि आप सही सही बनाएं। तो सबसे पहले यहाँ पे रहता है भारत का आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति, उसके बाद है करेंट अफेयर से 3 क्वेश्चन रहता है जो आपको लिखना होता है, उसके अलावा DI का 2 क्वेश्चन होता है, इस तरह से 300 नंबर होता है। दूसरा पेपर में यदि देखें हम लोग, तो यहाँ पे भारत की राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटिक्स होता है इसमें, पॉलिटी, भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत का भूगोल, देखिएगा भारत अर्थव्यवस्था और भारत का भूगोल, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स जो है कंबाइन करके आपको इसमें पूछा जाता है, ठीक है, 3 क्वेश्चन में ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स दोनों कंबाइन रूप से पूछा जाता है। भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका और प्रभाव, इसके बारे में यहाँ पर दिया गया है कि भारत के विकास में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्या यूज है, वो यहाँ पर बताया गया है, है ना। तो 3 सेक्शन इसमें भी होता है, इससे 3 क्वेश्चन, इससे 3 क्वेश्चन और साइंस एंड टेक से 2 क्वेश्चन लिखना होता है, उसी तरीके से 38 × 3, 38 × 3 और 36 × 2, कुल मिला के 8 क्वेश्चन आपको लिखना होता है। ये तो हो गया इसका सिलेबस, जो सबको पता है, मतलब कि यहाँ पे जो वेबसाइट पे अपलोडेड है। अब इसका तैयारी कैसे करें आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो अब इसका हम डिटेल सिलेबस देखते हैं कि डिटेल सिलेबस में क्या दिखाया गया है। तो पहले आप प्रश्न, मतलब कि जनरल स्टडीज पेपर 1 का देखते हैं सिलेबस, इसमें क्या पूछा जाएगा, आधुनिक भारत तथा बिहार के विशेष संदर्भ में, है ना, आधुनिक भारत से क्वेश्चन आएगा, खासकर जैसे रहेगा कि भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार की क्या भूमिका थी, असहयोग आंदोलन में बिहार की क्या भूमिका थी, है ना, इस तरीके से पूछा जाएगा। तो आधुनिक भारत से इसमें क्वेश्चन आएगा, मॉडर्न हिस्ट्री से, कोई इसमें मिडिवियल एंशियंट की जरूरत नहीं है, आप उस पर ध्यान मत दीजिए। आधुनिक भारत में खास करके बिहार के संदर्भ में इतिहास और भारतीय संस्कृति के अंतर्गत 19वीं शताब्दी के मध्य से, ठीक है, यानी कि 1850 से, 19वीं शताब्दी के मध्य यानी कि 1850 से देश के इतिहास की रूपरेखा के साथ गांधी, रविंद्र और नेहरू से संबंधित प्रश्न भी सम्मिलित होंगे, है ना। गांधी, नेहरू और टैगोर, ये तीनों से एक क्वेश्चन आप पक्का मान के चलिए उसमें, ठीक है, एक क्वेश्चन आप पक्का मान के चलिए कि एक क्वेश्चन आपको उसमें से लिखना है, गांधी, नेहरू और टैगोर से। बिहार के आधुनिक इतिहास के संदर्भ में प्रश्न इस क्षेत्र में पाश्चात्य शिक्षा के आरंभ और विकास से पूछे जाएंगे। बिहार का आधुनिक इतिहास, जो इतिहास का क्वेश्चन जो आएगा 3 क्वेश्चन, उसमें से एक गांधी, नेहरू, टैगोर से पक्का रहेगा। उसके अलावा एक रहता है कि बिहार में शिक्षा का विकास कैसे हुआ, आधुनिक इतिहास में कौन सा कॉलेज पहले खुला, उसके बाद कब खुला, पाश्चात्य शिक्षा किस तरीके से मतलब फैला यहाँ पे। तीसरा क्वेश्चन रहेगा बिहार का आधुनिक इतिहास के संदर्भ में प्रश्न इस क्षेत्र में पाश्चात्य शिक्षा के आरंभ से विकास से पूछे जाएंगे। इसमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की भूमिका से संबंधित प्रश्न होंगे, जैसा कि आपको बताएं कि 1857 में भी पूछा जाएगा, या भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार की क्या भूमिका थी। उसके अलावा फिर कुछ विद्रोह हैं, जैसे संथाल विद्रोह, बिहार में 1857 का विद्रोह, बिरसा का आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन से प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा और क्या क्या पूछा जाता है, तो मौर्यकाल, परीक्षार्थियों से आशा की जाती है कि वे मौर्यकाल, पालकाल की कला और पटना कलम चित्रकला के मुख्य विशेषताओं से परिचित होंगे। ये तो हो गया मतलब कि हिस्ट्री का जो सिलेबस है ना, हिस्ट्री का सिलेबस क्या क्या उसमें जैसे क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया गया क्या क्या है। तो सबसे पहले है कि आधुनिक भारत के इतिहास बिहार के संदर्भ में देखना है, है ना, पाल कला पढ़ना है, मौर्य कला पढ़ना है, ठीक है, पाल कला है, मौर्य कला है, उसके बाद पटना कलम है, पटना कलम एक पेंटिंग होता है, आप यदि डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। उसके अलावा फिर पाश्चात्य शिक्षा का डेवलपमेंट कैसे हुआ, बिहार में एजुकेशन का डेवलपमेंट उसके बारे में पढ़ना है, 1857 के क्रांति के बारे में पढ़ना है, कुछ आंदोलन है जैसे बिरसा का आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, 42 का भारत छोड़ो आंदोलन, ये सब के बारे में पढ़ना है। तो तीन क्वेश्चन आपको यहाँ से सॉल्व होंगे, 3 क्वेश्चन इतने से आपको आएंगे। सांख्यिकी से 2 क्वेश्चन होंगे, उसमें पाई चार्ट होगा, ग्राफ होगा, है ना,
ये सब आपको निकालना होगा। और करेंट से 3 क्वेश्चन होगा, करेंट अफेयर में जो भी टॉपिक है आजकल चल रहा है, जिस समय मेंस होगा उसके पिछले 6 महीना में जो भी चल रहा है मार्केट में, उससे 3 क्वेश्चन आएंगे। तो ये होता है फर्स्ट पेपर का। फर्स्ट पेपर में आपको हम बताते हैं कि तैयारी कैसे करें। जैसे सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है 1857 की क्रांति, तो एक क्वेश्चन 1857 क्रांति से फिक्स, लगभग समझ लीजिए कि फिक्स ही आता है। अब 1857 क्रांति से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि क्या है स्वतंत्रता संग्राम था, किसी का स्टेटमेंट दे दिया कि इसने ऐसे कहा है कि यह जो है सैनिक विद्रोह था, कोई स्वतंत्रता संग्राम नहीं था, है ना, तो इस पर अपनी टिप्पणी कीजिए, वीर कुंवर सिंह की भूमिका बताइए। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं इसमें, पाल कला मौर्य कला तो एक क्वेश्चन आना ही है उसमें से। अब जो है करेंट का टॉपिक जो है इसमें, उस समय जो भी चलता रहेगा, है ना, जैसे इस बार कोरोना से क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन आया था इसमें, ठीक है, तो इस तरीके से आप उसमें तैयारी कीजिएगा। यदि पेपर 2 में देखें तो सबसे पहले इसमें आता है पॉलिटी से आता है, तो पॉलिटी से इसमें 3 क्वेश्चन रहता है, ठीक है, पॉलिटी से इसमें 3 क्वेश्चन रहेगा। तो भारतीय राज्य व्यवस्था में संबंधित खंड भारत की तथा बिहार की राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित प्रश्न होंगे, ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत तथा बिहार के भूगोल से संबंधित खंड भारत की योजना और भारत के भौतिक आर्थिक और सामाजिक भूगोल से प्रश्न पूछे जाएंगे। भारत के विकास में साइंस एंड टेक के महत्व और प्रभाव से संबंधित 3रे खंड में ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जो भारत तथा बिहार में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के महत्व के बारे में उम्मीदवार को जानकारी की परीक्षा करें, ठीक है, तो इनमें प्रायोगिक पक्ष पर बल दिया जाएगा। तो इसमें जो भी होता है साइंस एंड टेक में जो क्वेश्चन आता है वो आपको मेनली ऐसा होता है कि जैसे जो भी उस समय चल रहा है, जैसे बाढ़ में किस तरीके से आप साइंस एंड टेक का यूज कीजिएगा। जैसे इसी बार क्वेश्चन आया था कि कोरोना में साइंस एंड टेक का किस तरीके से मतलब कि यूज बढ़ गया है, ठीक है। तो ये था दोनों पेपर का सिलेबस। अब देखते हैं हिंदी का एक क्वेश्चन जो इस बार 2019 का 65th पीपीएससी के मेंस में जो आया था, 65वीं पीपीएससी के मेंस में जो आया था, उसका एक क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग हिंदी का क्वेश्चन देखते हैं, इसमें 100 नंबर का है, समय आपको 3 घंटे पूरे दिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यदि आगे देखें तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो भी निम्नलिखित विषयों से किसी एक विषय पर लगभग 500 शब्दों में निबंध लिखिए, तो आपको यहाँ पर कितना है, 6 टॉपिक दिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6 टॉपिक दिया, उसमें से किसी एक पर आपको लिखना है। ये 30 मार्क्स का आपसे ऐसे पूछा जा रहा है, विद्यार्थी और अनुशासन, राष्ट्रीय एकता, विज्ञान की उपलब्धियाँ, बेरोजगारी की समस्या, महंगाई की समस्या, और एक यहाँ पे मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, है ना। तो किसी एक पर आप लगभग 500 शब्द में निबंध लिख सकते हैं। यदि इस आगे का क्वेश्चन देखें हम लोग, तो आपको यहाँ पे 15 नंबर का संक्षेपण मिलेगा। संक्षेपण यानी कि जो भी दिया हुआ उसका एक टाइटल लिखना और उसको 1/3 शब्द में लिखना है, इसका सारांश लिखना है, एक तरह से बोल सकते हैं 1/3 शब्द में सार लिखते हुए उपयुक्त शीर्षक दें, है ना। तो यहाँ पे जो भी है इसका आप पढ़िए 1/3 मतलब कि वर्ड में आप इसका एक टाइटल दीजिए, उसके बाद एक पहले 1/3 वर्ड में लिखिए और टाइटल बताइए कि क्या इसका टाइटल हो सकता है। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं 10 नंबर का वाक्य शुद्ध करना है, है ना, उन्होंने कहाँ जाना है, दही जम गई है, मेरे पिताजी दफ्तर गया है, तो ये सब शुद्ध करना है। जैसे मेरे पिताजी दफ्तर गए हैं, ठीक है, गांधी जी बोलते थे सदा सत्य, तो ये गलती है, गांधी जी सदा सत्य बोलते थे, है ना। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा यहाँ पे 10 नंबर का, ऐसा काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है जैसा कि आप देख सकते हैं, इसके लिए कोई स्पेशल प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आता है कि निम्नलिखित लोकोक्तियों में किन्हीं 5 का अर्थ लिखकर उन्हें वाक्यों में प्रयोग कीजिए, तो 5 लोकोक्ति यहाँ पे मुहावरा या लोकोक्ति जो समझिए आप इसको, है ना, उसका अर्थ लिख के 5 मतलब कि वाक्य में प्रयोग करना है। उसके अलावा आप देखिए तो संज्ञा की परिभाषा देते उसके भेदों को उदाहरण लिखिए, काफ़ी बच्चा वाला क्वेश्चन है, 10 मार्क्स तो ऐसे ही मिल गया आपको, 30 लाना ही है ना, मिनिमम 30 लाना है। तो संज्ञा की परिभाषा देते हुए उसके भेदों को उदाहरण लिखिए, इसमें से किसी 5 के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखिए, है ना, 2-2 पर्यायवाची शब्द बस लिखना है, ऐसा नहीं है, वही 10 ऑप्शन है आपके पास, उसमें से 5 का ही लिखना है। आगे बढ़ते हैं तो किसी 5 वाक्यांशों के लिए 1 शब्द लिखकर उसके वाक्यों में प्रयोग कीजिए, मतलब कि अनेक शब्द के लिए 1 शब्द लिखना है, जैसे जो भूमि उपजाऊ हो, है ना, तो उपजाऊ हो, दूसरों से ईर्ष्या करने वाला, इस सब का जो है लिखना है। उसके बाद है मतलब कि 10 यहाँ पे दिया हुआ, जैसे जिसका अंत न हो अनंत, जिसकी पत्नी मर गई हो विधुर, है ना, सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ, इस तरीके से लिख के उसका सेंटेंस बनाना है। इसमें से किसी 5 का 10 ऑप्शन आपके पास हैं, 10 हैं, उसमें से किसी 5 का समास लिखना है, ठीक है। तो इस तरीके से काफ़ी सिंपल क्वेश्चन आता है, इसी 5 उपसर्गों से शब्द बनाइए, ठीक है। तो ये यहाँ से किसी 5 उपसर्ग से लेकर के आप शब्द बना सकते हैं। तो क्वेश्चन हिंदी का पेपर का कोई खास तैयारी नहीं करना है, यदि आप आपका हिंदी 10th लेवल का तक भी स्ट्रांग है, 10th लेवल का भी यदि आप हिंदी जानते हैं 10वां तक का, तो भी आपको कोई खास तैयारी करने की ज़रूरत नहीं और डरने की भी ज़रूरत नहीं हिंदी के लिए, 100 में 33 ही लाना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं पेपर 1 की तरफ। जैसे पेपर 1 में आप यहाँ पे देख सकते हैं, पेपर 1 का क्वेश्चन है 65वीं बीपीएससी का ही, 3 घंटे का समय है, 300 मार्क्स का पेपर है। आप देख सकते हैं एंसर 8 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन लिखना है, 3 फ्रॉम सेक्शन 1 एंड 2, 1 और 2 सेक्शन से 3 क्वेश्चन और 2 सेक्शन 3 से लिखना है।
आगे बढ़ते हैं तो वही सब बात यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे अब सेक्शन वन का क्वेश्चन देखिए, व्हाट वर द काउजेज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। जैसा कि आपको हम बताएं कि 1857 की क्रांति से क्वेश्चन आएगा ही, तो व्हाट वर द काउजेज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 की क्रांति के क्या कारण थे, बिहार में उसका प्रभाव क्या था, तो बिहार से रिलेट करके ही क्वेश्चन आएगा जब भी आएगा ना। तो उसके बाद देखिए सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन पूछा जाता है, वेस्टर्न एजुकेशन 1858 से 1914 तक किस तरीके से बिहार में कौन कौन डेवलपमेंट हुआ उसके बारे में बताना है, उस दरमियान कितने स्कूल खोले, कितने कॉलेज खोले है ना, ये सब लिखना आपको है, कौन कौन इंपॉर्टेंट कॉलेज थे ये इसमें लिख सकते हैं। राइट अ नोट ऑन स्वामी सहजानंद किसान सभा मूवमेंट, इस पर क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन है कि राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण के सामाजिक और आर्थिक चिंतन की व्याख्या कीजिए, एक्सप्लेन द सोशल एंड इकोनॉमिक आइडियाज ऑफ राम मनोहर लोहिया एंड जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट है डिस्कस द फीचर ऑफ पाल आर्ट एंड आर्किटेक्चर एंड इट्स रिलेशनशिप विद बुद्धिज्म, है ना। तो पाल आर्ट और आर्किटेक्चर का हमको डिस्कस करना है, फीचर्स को डिस्क्राइब करना है और बुद्धिज्म के साथ वो क्या उसका रिश्ता नाता था ये हमको बताना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको मिला है कितना क्वेश्चन, छः, इसमें से तीन ही लिखना है, टोटल सेक्शन वन में छः क्वेश्चन रहता है। छठा क्वेश्चन इसका देख लेते हैं कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन टू फॉलोइंग, किसी दो पर जो है छोटा नोट लिखना था, तो आप यहाँ पे तीन में से दो पर लिखना था, दलित मूवमेंट इन बिहार, गांधी जी भीवन कास्ट रिलीजन एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नेशनल मूवमेंट, है ना। इस पर छः क्वेश्चन आपको मिला कुल हो गया, उसमें से तीन क्वेश्चन लिखना था, यानी सेक्शन वन में छः क्वेश्चन था उसमें से तीन क्वेश्चन लिखना रहता है। अब आते हैं सेक्शन टू पे जो करंट अफेयर का क्वेश्चन होता है। तो देखिए जैसे यहाँ पे आया कि अंतर्राष्ट्रीय स्थानांतरण और व्यापार के संदर्भ में कोविड 19 महामारी के वैश्विक प्रसार के तरीके को चर्चा कीजिए, डिस्कस द पैटर्न ऑफ ग्लोबल स्प्रेड ऑफ कोविड 19 पैंडेमिक विथ रिफरेंस टू द इंटरनेशनल माइग्रेशन एंड ट्रेड, है ना। तो कोविड से रिलेटेड जो करंट में था, व्हाट आर द वेरिएबल्स ऑफ वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में क्या क्या वेरिएबल, मतलब किस किस आधार पर रिपोर्ट निकाला जाता है, नॉर्डिक कंट्री, नॉर्डिक कंट्री किसको बोलते हैं आप करंट कमेंट सेक्शन में बताइए, है ना। तो नॉर्डिक कंट्री का इसमें रैंक कितना बढ़िया क्यों रहता है इसका रीजन लिखना है, ये भी करंट का क्वेश्चन था। उसके बाद एग्जामिन द रिसेंट डिजास्टर लाइक बुश फायर इन ऑस्ट्रेलिया, अमेजन बर्न इन ब्राजील, ब्राजील के जंगलों में जो आग लगा था उसका क्या क्या लिखना था, काउज लिखना है, इंपैक्ट लिखना है लोकल इकोलॉजिकल और ग्लोबल एटमॉस्फेरिक कंडीशन पे क्या उसका इफेक्ट आएगा इसके बारे में लिखना है। तो देख सकते हैं काफ़ी सिंपल क्वेश्चन आता है, मेंस के लिए उतना डरने की जरूरत नहीं है। एक्सप्लेन द सोशियो इकोनॉमिक एंड इकोलॉजिकल इंप्लीकेशन ऑफ कोविड 19 लॉकडाउन इन इंडिया, इंडिया में कोविड 19 के कारण जो लॉकडाउन लगा उसका सोशियल और मतलब कि सामाजिक और आर्थिक और इकोलॉजिकल इंपैक्ट लिखना था। मिशन शक्ति के साथ इंडिया जो है चार लार्जेस्ट स्पेस पावर दुनिया में जो है उसमें शामिल हो गया उसके बारे में लिखना था, है ना। तो आप देख सकते हैं इसमें आपको पांच क्वेश्चन मिला, पांच में तीन लिखना था, है ना, पांच क्वेश्चन है उसमें से तीन क्वेश्चन लिखना है, 38 नंबर का एक क्वेश्चन है। उसके बाद आता है डी आई, डी आई में जैसा कि आपको बताया सबसे पहले एक पाई चार्ट रहेगा, इसमें भी देखते हैं कितने क्वेश्चन है। तो यहाँ पे एक पाई चार्ट आपको रहेगा उसी के आधार पे, इस तरीके का पाई चार्ट है, यहाँ पे एक उसका डिटेल दिया है कुछ और यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो डी आई बहुत लोग जिनका मैथ बैकग्राउंड नहीं होता उससे उनको उन लोगों को डर लगता है, कहने का मतलब वो लोग इसमें काफ़ी नर्वस फील करते हैं, तो ऐसा कोई करने की ज़रूरत नहीं है, यदि आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो हर चीज़ पॉसिबल है, ठीक है। तो डी आई का क्वेश्चन आप देख सकते हैं इस तरीके से आता है, एक ग्राफ का क्वेश्चन रहेगा उसी में, ठीक है। तो डी आई में भी टोटल कुल मिला करके आपको हो जाएगा, आई थिंक इसमें भी चार क्वेश्चन होते हैं, है ना, 15 तक, ठीक है। तो चार क्वेश्चन इसमें भी होते हैं, चार में दो लिखना होता है, ठीक है, टोटल चार क्वेश्चन में दो क्वेश्चन लिखना होता है, 36 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, 36 × 2, ठीक है। तो ये था हिंदी और पेपर वन का क्वेश्चन, किसी दूसरे वीडियो में हम पेपर टू के क्वेश्चन को भी आपको दिखाएंगे और उसमें सिलेबस तो आपको हम पहले बता ही चुके हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।